नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। और आज हम एक बार फिर से, ये हमारा दूसरा सेकेंड डे कवरेज है सोनपुर मेले का। और आज हम आए हैं वो मैजिक आइसक्रीम वाले शॉप पे, जो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हैं ये वीडियोस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिहार में पहली बार मैजिक आइसक्रीम, और ये मेला जो है वो आइसक्रीम, मैजिक आइसक्रीम की वजह से और भी खास हो गया है। तो ऐसे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बच्चे जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मैजिक आइसक्रीम को इस तरह से ले करके। मतलब देख सकते हैं भैया किस तरह से उछाल उछाल के, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं बच्चों का। तो आप समझ रहे हैं, मतलब एक फनी सा मोमेंट बन जाता है ये। मतलब कि आपको काफ़ी मशक्क़त से आइसक्रीम लेनी होती है, तो ऐसे में ये एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है आइसक्रीम लेने का। अच्छी ट्रेनिंग लेकर के कैसे ये एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं बच्चों का, तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लीजिएगा। जी मैम, मेरा नाम करण सिंह है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं आप? जी, जी। और इतनी अच्छी ट्रेनिंग कहाँ से ली है आप? ऐसे बच्चों को एक्साइटेड कर कर के आइसक्रीम देते हैं, मतलब इजिली देते नहीं है आप? जी मैम, मैं टर्की गया था ट्रेनिंग के लिए। टर्की से आए ट्रेनिंग लेकर? जी जी जी। और ये बिहार में पहली बार, तो पहली बार शॉप लगा रहे हैं? जी, यहाँ पे पहली बार स्टॉल लगा रखा है। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी शॉप है इसका, ग्रैंड मॉल के अंदर। अच्छा जी, एक ही आउटलेट है हमारा अभी। अच्छा। फिलहाल आप पटना में सोच रहे हैं नए ओपनिंग के लिए। अच्छा, तो ये बिहार में सिर्फ आपका ही है या फिर और भी बहुत सारे? नहीं, और नहीं है, एक ही है ये बिहार। आपका है? जी जी जी। और ये सोनपुर मेला में पहली बार आए हैं? जी जी मैम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। ये लोगों के बीच का एक्साइटमेंट जो है वो कैसा देखने को मिल रहा है और स्टेट की अपेक्षा? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है लोग। अब वीडियो में पहले देखने को मिलता था, अभी फिलहाल अपने शहर में आ गया, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप तो नेपाल से यहाँ आए हैं, तो बिहार आकर के कैसा लग रहा है? बिहार के लोग और नेपाल के लोग क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, नेपाल की तरह बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और हम भी चाहेंगे कि भैया के हाथ से हम भी आइसक्रीम ले लें, और ये हमसे कितनी मशक्कत करवाते हैं आइसक्रीम लेने में वो भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे कस्टमर हैं, कितने सारे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, युवा हैं। मतलब कि देख सकते हैं इन सब के चेहरे पे एक्साइटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं आप, और आइसक्रीम का रेट भी ज़्यादा नहीं है। एक मोहतरमा जो है वो आइसक्रीम खा रही है, तो इनसे पूछेंगे कितने में खरीदी है ये? 99 में। तो आपको एक आइसक्रीम 99 में, वो भी मशक्कत करने के बाद मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो कैसा लग रहा है आइसक्रीम? बहुत मज़ा आया, खाने में भी मज़ा आ रहा है, ग्रेट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब शायद मेरी बारी आ जाए, तो मेरी बारी आ चुकी है। और मैं तो ये मैंने अमेरिकन नट्स वाला फ्लेवर चूज किया है, और मैं अमेरिकन नट्स वाला आइसक्रीम लेने वाली हूँ। देखते हैं कि मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है आइसक्रीम लेने के लिए। और ये जो म्यूजिक आप सुन रहे होंगे वो मेरा एक्साइटमेंट और भी बढ़ा रहा है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ।
बढ़िया एक्सपीरियंस लगा यहाँ आकर के, बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया आइसक्रीम को, और थैंक यू सो मच भैया को एक बार फिर से थैंक यू बोल देती हूँ उनको। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ, और आपने मुझे आइसक्रीम देकर कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब मैं भैया को पेमेंट कर देती हूँ, बिकॉज मैं पहले आइसक्रीम खा ली उसके बाद पेमेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप सोनपुर मेले में आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए। बिहार में पहली बार मैजिक आइसक्रीम करके है, तो यहाँ पे आए, आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाएँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।